वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। सर, जैसे मैंने आपकी पिछली क्लास में आपको बताया था, एयरबेल्ट प्रेशर के बारे में बताया था, वायु दाब पेटी के बारे में बताया था, आपका वायु दाब का पेटी जो है किस तरह से काम करता है वो आपका पूरा कंप्लीट हो चुका था सर। वायु दाब पेटी आपके बीच में क्लियर हो चुका था। आज आपके बीच में रखना चाहेंगे विंड के बारे में सर। पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे सर? विंड के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर? विंड के बारे में पढ़ेंगे आज। विंड का हिंदी क्या होता था? पवन के बारे में पढ़ेंगे। पवन के बारे में आज पढ़ेंगे सर। देखिए सर, कैसे काम करता है पवन मेरा, समझने का सर कोशिश कीजिएगा। सर, हमारे एटमोसफेयर में क्या सर? हमारे एटमोसफेयर में विभिन्न गैसेस देखने को मिलता है। पहली चीज समझे सर, हमारे एटमोसफेयर में विभिन्न प्रकार का गैसेस देखने को मिलता है। जैसे आप जानते हैं पिछली क्लासेस में आपका ये हो चुका था, कैसे गैस देखने को मिलता है, क्या लेयर है, कहाँ पे कौन सा गैस पाया जाता है, गैस का स्थिति क्या होता है, कहाँ पे कैसा गैस, किस सिचुएशन में कैसा गैस रहता है, गैस कहाँ, मतलब क्या बोलते उसको, एयर की जो ऊपर जाने पर क्या होता है, कैसे काम करता है, वो आपका हो चुका था। आप पिछले वीडियो को एसेस कीजिएगा, ठीक है सर। हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं हमारे एटमोसफेयर में विभिन्न प्रकार का गैसेज देखने को मिलता है, ठीक है सर। चलिए सर, अब सर यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिएगा सर। यहाँ पे मेरा क्या हो गया सर, यह मान के चलिए मेरा क्या हो गया, यह मेरा क्या हो गया सर, एक सरफेस हो गया। क्या हो गया सर? यहाँ पे मेरा एक सरफेस हो गया। कोई भी चीज ले सकते हैं, वाटर बॉडी भी आप ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सरफेस ले सकते हैं सर, ठीक है सर। यहाँ पे मेरा क्या हो गया, सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया, यहाँ पे भी सरफेस हो गया। हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं एग्जाम्पल की मदद से, आप समझने का सर यहाँ पे कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक सरफेस हो गया, यहाँ पे एक सरफेस हो गया, ठीक है सर। हम आपको बताए सर, यहाँ पे हम एक चीज बताया आपको, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ पे मेरा टेम्परेचर क्या है, कम है। हमने सर आपको बताया यहाँ पे मेरा टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर कम है, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर कम है, ठीक है सर। तो आप खुद बताइएगा सर यहाँ पे, क्योंकि आपके बीच में ये चीज रखा जा चुका है, क्या यहाँ पे प्रेशर आपको कैसे देखने को मिलेगा, प्रेशर कैसे देखने को मिलेगा सर, आप बताइएगा सर, क्योंकि आपकी पिछली कक्षा में ये चीज हो चुका है। आप बोलिएगा सर यहाँ पे प्रेशर हमको क्या देखने को मिलेगा, लो देखने को मिलेगा, ठीक है सर। प्रेशर कैसे देखने को मिलेगा, लो देखने को मिलेगा। यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो प्रेशर कैसे देखने को मिलेगा, हाई देखने को मिलेगा। प्रेशर कैसे देखने को मिलेगा, हाई देखने को मिलेगा। आपने सर कहा यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, प्रेशर क्या देखने को मिलेगा, लो देखने, क्यों देखने को मिलेगा, लो बताइएगा सर, क्यों देखने को लो मिलेगा यहाँ पे सर, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ पे मेरा एयर क्या करेगा, राइज अप करेगा। जैसे एयर राइज अप करेगा, एयर का अमाउंट कम होगा, जैसे ही एयर का अमाउंट कम होगा, एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी, जैसे वहां पे एयर की मात्रा कम होगी, वहां पे मेरा प्रेशर क्या हो जाएगा, एयर और एयर के बीच में प्रेशर कम लगेगा। सेम कंसेप्ट यहाँ पे है, यहाँ पे टेम्परेचर कम है, एयर राइज अप नहीं करेगी, ठीक है सर। जब एयर राइज अप नहीं करेगी तो एयर अमाउंट ज्यादा होगा, जब एयर अमाउंट ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या लगेगा सर, ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये चीज आपका पिछली क्लास में आपके बीच में रखा जा चुका है। बस यहाँ पे आप कंसेप्ट को अप्लाई कीजिए सर। तो आप एक चीज बताइएगा सर, क्या यहाँ पे मेरा जो एयर है सर कैसा देखने को मिल रहा है, लो प्रेशर का, यहाँ पे मेरा हाई प्रेशर का देख रहा है। तो बताइए यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है, क्या यह हाई प्रेशर वाला एयर यहाँ पे लो प्रेशर के बीच में लो प्रेशर वाले एयर को भरने का काम नहीं करेगा, तो यहाँ से एयर मेरा कहाँ आएगा सर, यहाँ पे आएगा, कहाँ आएगा सर, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे लो प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो प्रेशर यानी कि एयर जो है कहाँ से कहाँ आएगा सर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर के बीच में आएगा। तो सर आपने देखा एयर कहाँ से कहाँ आ रहा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आ रहा है, कहाँ से सर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर के बीच में आ रहा है। तो सर हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं सर, हमारा जो पवन होता है यानी कि एयर जो होता है सर, क्या सर, हमारा जो सर वायु होता है सर, वायु क्या सर, वायु क्या सर, वायु क्या क्या कहलाता है सर, वायु यानी कि एयर। जब सर यह गैसेस सर मूवमेंट करता है सर, क्या करता है सर,
मूवमेंट करता है सर, जब यह गैसेस सर मूवमेंट करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, तो वही मेरा क्या कहलाता है सर, एयर कहलाता है। कहने का मतलब सर क्या हो गया, एयर का हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यानी कि सर आपको एटमॉस्फेयर में विभिन्न प्रकार की गैसेस देखने को मिलता है, जब यह गैसेस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूवमेंट करता है, इसी गैसेस के मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे सर, एयर बोलेंगे। तो आप एयर के कंसेप्ट को सर पूरी तरीका से समझ गए होंगे सर। अब आपके बीच में सर एयर का कंसेप्ट रखा जाएगा, इससे आगे की बात करते सर, एयर कैसे काम करता है सर, यहां तक आप इस चीज को समझ गए होंगे। हमारे एटमॉस्फेयर में विभिन्न प्रकार का गैस देखने को मिलता है, जब ये गैसेस सर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूवमेंट करता है, उसी को क्या बोलेंगे सर, एयर बोलेंगे। ठीक है सर, मूवमेंट ऑफ गैसेस कॉल्ड क्या बोलेंगे, एयर बोलेंगे सर। यहां तक सर आप इस चीज को समझ गए होंगे। चलिए सर इसको हम मिटाते हैं। चलिए सर यहाँ पे हम बात करते हैं सर, हमारा जो एयर है सर दो प्रकार का होता है सर। हमारा एयर क्या होता है, यानी कि वायु दो प्रकार का होता है सर। क्या प्रकार का होता है सर, दो प्रकार का होता है सर। एक होता है सर मेरा, देखिए सर समझने का कोशिश कीजिएगा, हॉरिजॉन्टल क्या बोलेंगे सर इसको, क्षैतिज। एक होता है सर वर्टिकल, इसको क्या बोलेंगे सर, ऊर्ध्वाधर। अब सर समझिएगा आप क्या होता है, कैसे होता है, हॉरिजॉन्टल के रूप में कैसे मेरा एयर काम करता है और वर्टिकल के रूप में कैसे काम करता है। जब ये वायु सर एक क्षैतिज रूप में गति करता है, जब वायु की गति मूवमेंट हमारे क्षैतिज रूप में होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल रूप में होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे सर, उसको विंड बोलते हैं। क्या बोलेंगे सर, विंड बोलते हैं, यानी कि इसको पवन बोलते हैं। कहने का मतलब सर ये हो गया, जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हॉरिजॉन्टल वे में चलती है, किस वे में सर, हॉरिजॉन्टल वे में, यानी कि क्षैतिज रूप में चलती है, तो उसको क्या बोलेंगे सर, विंड बोलेंगे। ठीक है सर, यहाँ पे अब सर वर्टिकल की बात करते हैं। जब मेरी पवने ऐसे ऊपर नीचे चलते, यानी कि एक लंबवत वे में चलती, यानी कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की ओर चलती, यानी कि ऊपर में मेरा हाई प्रेशर, नीचे में लो प्रेशर, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया सर, ऊपर नीचे जब पवन चलती है वर्टिकल वे में चलती है, यानी कहने का मतलब सर ये हो गया, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा तो यहाँ पे लो प्रेशर होगा, तो मेरा हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाने का काम करेगा, किस रूप में सर, वर्टिकल वे में, तो उसको सर क्या बोलेंगे सर, एयर करंट बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे सर, वायु धारा बोलेंगे सर। तो सर आपने समझने का कोशिश किया सर, मेरा एयर जो है सर दो प्रकार का होता है, हॉरिजॉन्टल वे में जो चलता है, क्षैतिज रूप में जो चलता है, उसको हम पवन बोलेंगे, जब वर्टिकल वे में चलता है उसको एयर करंट बोलेंगे। ठीक है सर, तो आपने आज समझा वायु में, पवन में और एयर करंट में क्या अंतर है, आप इस चीज को पूरी तरीका से समझ गए सर। मेरा विंड क्या, विंड किसको बोलेंगे, एयर किसको बोलेंगे, इसका मतलब क्या बोलते, एयर करंट किसको बोलेंगे। ठीक है सर, इस चीज को आप समझने का सर कोशिश किए सर। तो एक चीज यहाँ पे सर आप नोटिस कीजिएगा, एयर की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। कहने का मतलब सर ये हो गया, जब कुछ क्वेश्चन पूछा जाए आपको एयर की, तो हम क्या बोलेंगे सर, एयर की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। क्या बोलेंगे सर, एयर की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। लेकिन आपसे यही पूछा जाए कि
विंड की एक निश्चित दिशा होती है, किस रूप में सर, हॉरिजॉन्टल वे में होती है, क्षैतिज रूप में होती है, लेकिन हमारी एयर की कोई निश्चित दिशा में नहीं होती है, ये हॉरिजॉन्टल वे में चल सकती है और वर्टिकल वे में भी चल सकती है। जब ये हॉरिजॉन्टल वे में चलेगी तो उसको विंड बोलेंगे, जब ये वर्टिकल वे में चलेगी उसको एयर करंट बोलेंगे। तो यहाँ तक सर इस कंसेप्ट को आप पूरी तरीका से समझ गए हैं, इससे सर आगे की बात करते हैं। चलिए सर इसको मिटाते हैं। सर आपने अभी देखा, अभी आपने सर देखा क्या देखा सर, अभी आपने सर क्या देखा कि हॉरिजॉन्टल वे में चलने वाले एयर को क्या बोलते हैं सर, विंड बोलते हैं। तो आपको सर अब यही पढ़ना है, विंडे ने पढ़ना है, अभी सर विंडे आपका हेडिंग बना हुआ है तो सर विंड को पढ़ना है। तो विंड सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे सर, ये किस वे में चलती है, हॉरिजॉन्टल वे में, हॉरिजॉन्टल वे में चलती है, यानी कि क्षैतिज रूप में ये चलती है, ठीक है सर। पहली चीज, अब सर यहाँ पे देखिएगा, मेरा जो विंड है वह तीन प्रकार का होता है। कैसे होता है सर, तीन प्रकार का होता है। क्या अपने प्रकार का होता है सर, तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला विंड होता है मेरा परमानेंट विंड, परमानेंट विंड कहने का मतलब अस्थाई पवन, अस्थाई पवन। दूसरा हो गया मेरा सर टेम्परोरी विंड, टेम्परोरी विंड अस्थाई पवन, अस्थाई पवन। तीसरा हो गया मेरा सर लोकल विंड, लोकल विंड क्या हो गया सर, मेरा लोकल विंड। लोकल विंड का मतलब सर क्या हो गया मेरा सर, लोकल विंड यानी कि इसको क्या बोलेंगे सर, मेरा जो है क्या बोलते हैं लोकल विंड को, जो भी बोले सर लोकल विंड, इसको रखिए हिंदी याद आएगा तो हम बोल देंगे आपको लोकल विंड। परमानेंट विंड, अस्थाई पवन, टेम्पररी विंड, अस्थाई पवन और लोकल विंड, ठीक है सर। बारी बारी से हर एक को हम सर देखने का कोशिश करते सर, परमानेंट विंड, अस्थाई पवन, टेम्पररी विंड, अस्थाई पवन, लोकल विंड के बारे में हम सर बारी बारी से हर एक को देखने का कोशिश करते हैं, ठीक है सर। यहां से हम फिर से सर परमानेंट विंड से स्टार्ट करते हैं सर। देखिएगा सर यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सर परमानेंटली। पहले सर तीनों विंड को एक बार देख लेते हैं यहाँ से वहां तक, फिर स्टार्ट करेंगे। एक बार देख लेते हैं सर यहाँ से एक लाइन में सबको देख लेते हैं, परमानेंट विंड के बारे में एक बार देख लेते हैं। परमानेंट विंड क्या सर, परमानेंट विंड सर देखिएगा यहाँ पे कैसे काम करता है मेरा परमानेंट विंड, समझिएगा सर, कोशिश कीजिएगा, ठीक है सर। सबसे बड़ी चीज क्या है यहाँ पे, मेरा जो विंड है उनको दो आधार पे बांटा गया है। सबसे पहला क्या है मेरा एयर को, विंड को दो आधार पे बांटा गया है। सबसे पहला क्या है मेरा, डायरेक्शन के बेसिस पे, डायरेक्शन बेसिस पे, बेसिस पे। दूसरा क्या है मेरा, लोकेशन के बेसिस पे, लोकेशन बेसिस पे। डायरेक्शन का मतलब सर मेरा ये हो गया, डायरेक्शन के बेसिस पे बांटा गया है और लोकेशन के बेसिस पे बांटा गया। कहने का मतलब सर ये हो गया, यहाँ पे आप समझिएगा, आपने यह देखा विंड को दो प्रकार से बांटा गया, डायरेक्शन बेसिस पे, लोकेशन बेसिस पे। तो मेरा जो परमानेंट विंड है, मेरा जो परमानेंट विंड है यानी कि अस्थाई पवन, अस्थाई पवन है पवन सर, ये अपनी जो है ना, ये कैसा है, ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती कभी, ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती है। क्या नहीं करती है, ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती। अब सर आप यहां पे क्वेश्चन उठता है सर, एयर की डायरेक्शन, एयर की डायरेक्शन क्यों चेंज होता है, किसके कारण से चेंज होता है सर यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हम पढ़े हैं कि यहाँ पे परमानेंट विंड अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है, जो विंड डायरेक्शन चेंज करता होगा, जो विंड डायरेक्शन चेंज करता होगा तो वह डायरेक्शन चेंज उसका क्यों होता है। तो सर आपका आंसर ये मिलेगा, जब आपके सीजन में परिवर्तन होता है, आपके ऋतु में परिवर्तन होता है, आपके ऋतु में परिवर्तन होता है, तो ऋतु में परिवर्तन होने के कारण क्या होता है, एयर क्या करती है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। लेकिन लेकिन परमानेंट विंड क्या होता है, ये अपनी डायरेक्शन ऋतु में भी चेंज होने के कारण, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, कैसी भी ऋतु हो, लेकिन ये अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करती है। कैसा विंड सर, परमानेंट विंड। तो यहां पे नोट लिख देते हैं सर आपको,
एयर की डायरेक्शन, विंड की डायरेक्शन, विंड की डायरेक्शन, ऋतु में परिवर्तन होने के कारण होता है। तो सर आपने देखा परमानेंट विंड क्या करता है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कभी नहीं करता है, चाहे ऋतु में परिवर्तन क्यों नहीं हो जाए, लेकिन यह अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है। ऋतु में क्या बोलते हैं, डायरेक्शन चेंज क्यों होता है, जब ऋतु में परिवर्तन होता है। तो आप सर अस्थाई पवन को जानने का कोशिश किया। अब सर पहले एक बार देख लेते तीनों विंड को, उसके बाद हम सर क्या करेंगे, फिर से परमानेंट विंड पे जाएंगे। ठीक है सर, परमानेंट विंड पे जाएंगे। कहाँ पे परमानेंट विंड चलता है एक बार सर पहले एक बार देख लीजिए, साइड से उस साइड देख लेते सर। चलिए सर इसको पहले मिटाते हैं। सर देखिए फिर मेरा क्या है सर, टेम्पोररी विंड। क्या है सर, टेम्पोररी विंड, अस्थाई पवने। अस्थाई पवने क्या होता सर, समझने का कोशिश कीजिएगा। मेरा अस्थाई पवन क्या होता है सर, यहां पे समझने का कोशिश। यह क्या करता है सर, यह विंड क्या करता है, ये विंड अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। किसके कारण सर, ये अपनी डायरेक्शन ऋतु में परिवर्तन के कारण करता है। यानी कि टेम्पोररी विंड क्या करता है, जब सीजन में परिवर्तन होता है, जब ऋतु में परिवर्तन होता है, तो यह क्या करता है, अपने डायरेक्शन को क्या करता है सर, चेंज कर देता है। ठीक है सर, यहां तक आप समझ गए होंगे। सर लास्ट बचता आपका लोकल विंड, लोकल विंड, इसको भी सर यहीं पे समझ लीजिएगा हाथों हाथ। यह लोकल विंड जो होता है, इसको सर लोकेशन के आधार पर उसको निर्धारित करते हैं। क्या सर, ये लोकेशन के आधार पर होता है। आपने ये दोनों को देखे, परमानेंट और टेम्पोररी विंड को आप डायरेक्शन के आधार पर देखे, लेकिन यह मेरा लोकल विंड क्या होता है, डायरेक्शन बेसिस पे होता है। यह विंड जो होता है किसी पार्टिकुलर एरिया में, यानी कि किसी निश्चित क्षेत्र में, यानी कि यह विंड किसी निश्चित क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो सर आप एक बार व्यू देख लिए पूरा, परमानेंट विंड कैसे होता है, टेम्पोररी विंड कैसे होता है, और लोकल विंड कैसे होता है। परमानेंट विंड मेरा क्या होता है, जिसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। टेम्पोररी विंड में क्या होता है मेरा, जिसमें क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। जबकि टेम्पोररी विंड क्या होता है सर, इसमें क्या होता है सर, यह विंड किसी निश्चित क्षेत्र में देखने को मिलता है। सर यहाँ तक आप सर समझ गए होंगे, कैसे यहाँ तक आप समझ गए होंगे। सर आगे की बात करते हैं। फिर से स्टार्ट करते हैं, परमानेंट विंड को देखते हैं शुरू से। परमानेंट विंड को, यह मेरा परमानेंट विंड कैसे काम करता है, यानी कि सर अस्थाई पवन को देखते हैं, अस्थाई पवन को देखते हैं, समझने का सर यहां पे कोशिश कीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं फिर से अस्थाई पवन को। यह मेरा क्या हो गया सर, यह मेरा क्या हो गया सर, मेरा अर्थ हो गया। अच्छा से देखिएगा सर, यहाँ मेरा क्या हो गया, अर्थ हो गया। यहाँ मेरा क्या हो गया सर, अर्थ हो गया। क्या हो गया मेरा, अर्थ हो गया। ठीक है सर, यह मेरा जीरो डिग्री हो गया, यह मेरा क्या हो गया, इक्वेटर हो गया। क्या हो गया, इक्वेटर हो गया, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलेंगे सर। क्या बोलेंगे सर, विषुवत रेखा बोलेंगे सर। तो सर यहां तक आपने देखने का कोशिश किया, यह मेरा क्या हो गया, विषुवत रेखा। ठीक है सर, आप सर एक चीज आप गौर कीजिएगा, आपको सर हम बताए थे कि एयर क्या बोलते उसको, विंड जो होती है ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलता है। विंड तब ही बहेगा सर जब आपको टेम्परेचर में अंतर देखने को मिलेगा। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे टेम्परेचर सेम है, यहाँ पे भी टेम्परेचर सेम है, तो आपको इस दोनों के बीच में कभी विंड नहीं चलेगा सर। ठीक है सर, जब आपको जब तक टेम्परेचर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, तब तक सर क्या आपको वहां पे विंड को प्रभाव आप नहीं करवा सकते हैं। क्योंकि जब तक यहाँ पे दोनों टेम्परेचर सेम रहेगा तो यहाँ का प्रेशर भी सेम रहेगा। जब यहाँ पे टेम्परेचर कम, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा, तो यहाँ पे आपको हाई प्रेशर, यहाँ पे आपको लो प्रेशर देखने को मिलेगा। तो एयर मेरा
हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाने का कोशिश करेगा। इसलिए सर जब भी आप विंड को चलाइएगा तो आपको टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है सर, यहां तक आप समझ गए होंगे सर। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्या आप विंड को किस कंडीशन में चला सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे सर, जब तक आपका टेम्परेचर डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा तो आप तब तक आप विंड को नहीं चला सकते हैं। ठीक है सर, अब आप समझने का कोशिश कीजिएगा सर। मेरा क्या बोले इसको इक्वेटर पे सर, यह हो गया मेरा इक्वेटर, विषुवत रेखा बोलेंगे। तो परमानेंट विंड का एक सर सबसे पहला टाइप मेरा हो गया सर। क्या हो गया सबसे मेरा पहला टाइप क्या हो गया सर, परमानेंट विंड का सबसे पहला टाइप हो गया मेरा सर ट्रेड विंड। क्या हो गया सर, ट्रेड विंड, ट्रेड विंड। क्या हो गया सर, ट्रेड विंड। क्या हो गया, व्यापारिक पवन। क्या बोलेंगे इसको सर, व्यापारिक पवन। क्या बोलेंगे सर इसको, व्यापारिक पवन, पवन। क्या बोलेंगे सर, व्यापारिक पवन। इसी पवन को सर हम क्या बोलते हैं, इसी पवन को बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं सर, स्ट्रेलियर, स्ट्रेलियर विंड। इसी पवन को आप सर आप बड़े बुजुर्गों से सुने होंगे, पूर्वा हवा चलता है। इसी को क्या बोलते हैं सर, पूर्वा, पूर्वा हवा, यानी कि पूर्वा पवन। क्या होता है पूर्वा पवन, आप यहां पे समझने का कोशिश कीजिएगा। ट्रेड विंड को ही सर क्या कहा जाता है, पूर्वा पवन कहा जाता है। तो आप समझिएगा सर यहाँ पे पूर्वा पवन कैसे चलता है। तो सर यहाँ पे देखिएगा, मेरा ये इक्वेटर हो गया, यहाँ पे आपको कैसा प्रेशर देखने को मिलेगा, कैसा प्रेशर देखने को मिलेगा सर, आप बताइएगा, खुद बताइएगा सर। यहाँ पे मेरा टेम्परेचर ज्यादा है तो यहाँ पे हमको प्रेशर कैसे देखने को मिलेगा, लो देखने को मिलेगा, खुद बताइएगा सर। टेम्परेचर हम यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर लो देखने को मिलेगा, क्यों देखने को मिलेगा, आप पिछली क्लास को एसेस कर लीजिएगा, आपको अच्छी तरीके से इसमें समझाया गया है। अब देखिए सर, आपने सर अभी देखा इससे ऊपर की, इससे ऊपर का जो मेरा एरिया है, इससे ऊपर का जो एरिया है मेरा, यहाँ पे आपको प्रेशर कैसे देखने को मिलेगा सर, इसके कंपेयर में बताइएगा सर। यहाँ पे प्रेशर आपको कैसे देखने को मिलेगा सर, इस एरिया में। सेम यहाँ पे बात करते हैं हम, सेम यहाँ पे भी बात करते हैं, यहाँ पे भी बात करते हैं, बताइएगा सर यहाँ पे है। क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो मेरा क्या होता है सर, जैसे जैसे आप यहाँ सूर्य की प्रकाश तिरछी रूप में पड़ती है तो मेरा क्या होता है, टेम्परेचर कम देखने को मिलता है। तो जैसे ही टेम्परेचर कम देखने को मिलेगा तो प्रेशर ज्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मेरा हाई प्रेशर हो गया, यहाँ पे मेरा हाई प्रेशर हो गया। ठीक है सर, इक्वेटर से ये मेरा इक्वेटर का क्षेत्र हो गया, या मेरा इक्वेटर वाला एरिया हो गया। ठीक है सर, देखिए सर बढ़िया से आपको हम दर्शा देते हैं, अच्छा से आप समझिएगा। यह मेरा क्या हो गया सर, इक्वेटर वाला रीजन हो गया। क्या हो गया सर, इक्वेटर वाला रीजन हो गया। ठीक है सर, यहाँ पे कैसा प्रेशर देखने को मिलेगा सर आपको, यहाँ पे कैसा प्रेशर देखने को मिलेगा सर, लो प्रेशर कैसे देखने को मिलेगा, प्रेशर लो देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्रेशर कैसे देखने को मिलेगा सर, लो देखने को मिलेगा। इससे ऊपर वाले में कैसा प्रेशर देखने को मिलेगा, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। यहाँ पे सर क्या देखने को मिलेगा, हाई प्रेशर। ठीक है सर, क्या देखने को मिलेगा सर, हाई प्रेशर। देख क्या देखने को मिलेगा सर, हाई प्रेशर देखने को मिलेगा सर। क्या देखने को मिलेगा सर, हाई प्रेशर देखने को मिलेगा। ठीक है सर, तो समझने का सर यहाँ पे कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे आपको हम समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, यहाँ पे आप हाई प्रेशर देख रहे हैं, यहाँ पे भी आप हाई प्रेशर देख रहे हैं। ठीक है सर, तो क्या हम आपको क्या बताए थे, हवा जो है किस से किस दिशा में चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो ये हवा जो है मेरा इधर की ओर चलेगी और ये हवा इधर की ओर चलेगी। तो सर बताइएगा, ये दोनों हवा एक दूसरे से एक जगह मिलेगी क्या, मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर। तो सर बताइएगा, यहाँ से जो है मेरा इक्वेटर से ऊपर वाले एरिया की ओर चलने वाली जो हाई प्रेशर वाला मेरा एयर है और यहाँ पे जो हाई प्रेशर वाला एयर है, ये दोनों एक दूसरे से जा करके आपस में मिल जाएगी सर, ये दूसरे से आपस में जा करके मिल जाएगी। और यह जिस जगह पे मिलेगी सर, जिस जगह पे मिलेगी सर, वहाँ उस रेंज को क्या बोलते हैं सर, उस रेंज को क्या बोलते हैं सर, बताइएगा सर। जिस रेंज पे यहाँ पे मेरा जो है उत्तरी, क्या बोलते हैं सर, इधर से और इधर से दोनों तरफ से जहाँ पे जिस रेंज में मिलेगी सर, उसको क्या बोलेंगे सर, बताइएगा सर। आई इन क्या बोलेंगे सर, इंटर ट्रॉपिकल सर, क्या बताएंगे सर, इंटर ट्रॉपिकल जोन। क्या बोलेंगे सर, इंटर ट्रॉपिकल जोन बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे सर, इंटर ट्रॉपिकल जोन, क्या बोलेंगे सर, सॉरी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट
कन्वर्जन क्या बोलते हैं कन्वर्जेंट जोन बोलेंगे सर। यानी कि सर कहने का मतलब सर ये हो गया, ऊपर से मेरा है प्रेशर, इधर से भी है प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, क्या यहाँ पे ये हवा यहाँ आएगी, ये हवा यहाँ आएगी, तो यहाँ पे ये जो हवा मिलके तैयार होती है या जहाँ पे ये दोनों मिलती है उसको सर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन के नाम से जाना जाता है। यानी कि आंतरिक उष्ण कटिबंधीय अभिसरण जोन के नाम से जानेंगे, आंतरिक उष्ण कटिबंधीय अभिसरण जोन के नाम से जानेंगे सर। ठीक है सर, यहाँ तक आपने समझ लिया क्या सर? समझे आप? यहाँ पे आपने देखे कि परमानेंट विंड में क्या होता है सर, डायरेक्शन चेंज कभी नहीं होता। सबसे पहली चीज आपने देखा परमानेंट विंड में कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं होता, पहली चीज। या सर आपने एक चीज देखा सर, इक्वेटर पर मेरा क्या होता है सर, लो प्रेशर होता है, और इक्वेटर से बाहर वाले ऊपर वाले या इक्वेटर से नीचे वाले, इक्वेटर रीजन से नीचे वाले और इक्वेटर रीजन से ऊपर वाले एरिया में आपको क्या देखने को मिलता है, हाई प्रेशर देखने को मिलता है। जब ऊपर वाले एरिया से हाई प्रेशर से और नीचे वाले एरिया हाई प्रेशर से दोनों हवा जाकर के इस इक्वेटर वाले एरिया में जाकर के मिल जाता है, जिस एरिया में ये मिलता है इसको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन के नाम से जानेंगे। सर यहाँ तक आपने समझने का कोशिश किया सर, तो इसी हवा को क्या बोलते हैं सर, ट्रेड विंड के नाम से जाना जाता है, स्टडियर विंड के नाम से जाना जाता है। अगर इससे आपको पूछा जाए यह विंड कहाँ बहती है तो आप क्या लिखेगा सर, बताइएगा सर, बताइएगा सर, टुवर्ड्स यानी कि इक्वेटर की दिशा में यह बहती है। क्या कहाँ बहती है सर, इक्वेटर की दिशा में यह हवा कहाँ, ट्रेड विंड कहाँ बहती है सर, आपसे पूछा जाए ट्रेड विंड कहाँ बहती है तो क्या लिखेगा सर, यहाँ पे लिख देते आपको टुवर्ड्स इक्वेटर फ्रॉम, या मेरा कौन सा एरिया होगा सर, इक्वेटर से अपॉन इक्वेटर। ठीक है सर, तो यानी कि कहां बहती है मेरा सर, यह जो आपको देखने को मिल रहा है सर, जिस एरिया में आपस में मिलती है उसको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है सर, यहां तक आपने समझ गया, इक्वेटर की दिशा में यह दोनों ट्रेड विंड कहां से कहां चलती है, इक्वेटर की दिशा में चलती है। कहां चलती है सर, इक्वेटर की दिशा में चलती है, और यहां पे दक्षिणी और उत्तरी तरफ से जो दोनों ट्रेड विंड जहां पे आपस में मिलती है उसको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन के नाम से जाना जाता है। सर आपने ट्रेड विंड के बारे में जान लिए। सर एक चीज यहां पे और समझने का कोशिश कीजिएगा सर, यही ट्रेड विंड यानी कि यही पूर्वा पवने जो होता है मेरा, यही पूर्वा पवने क्या होता है सर, यही पूर्वा पवने क्या करता है सर, मेरा ईस्टर्न भाग में, यानी कि ईस्टर्न भाग में सर, यानी कि ईस्टर्न भाग मतलब क्या हो गया सर, ईस्टर्न भाग समझने की कोशिश कीजिएगा मेरा सर, यह मेरा क्या हो गया, अर्थ हो गया। सबसे पहले आपको अर्थ को यह जीरो डिग्री क्या करता है, दो भागों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। अब इसको सर मिटाते हैं, यहाँ पे फिर क्या हो गया, यह क्या करता है सर, इसको क्या रखते हैं सर, प्रधान मध्यान रेखा इसको बोलते सर, क्या बोलते सर, प्रधान मध्यान रेखा। ठीक है सर, यह क्या करता है सर, यह क्या करता है सर मेरा जो अर्थ है उसको दो भागों में बांटता है सर, पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध, क्या है सर, पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध, क्या है सर, आईएसटी लाइन क्या करता है सर, सॉरी आईएसटी लाइन नहीं, प्रधान मध्यान रेखा है सर। ठीक है सर, प्रधान मध्यान रेखा है सर, यह क्या करता है सर, अर्थ को दो भागों में बांटता है, पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है सर, यह मेरा क्या करता है, जीरो डिग्री क्या करता है, अर्थ को दो भागों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। अब क्या होता है ये लाइन सर, और क्या होता है ये लाइन, आपको अच्छी तरीका से पढ़ाएंगे सर, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जब पढ़ाएंगे आपको अच्छी तरीका से इस चीज का वर्णन किया जाएगा। बस इतना समझिए, पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध कैसे किस रूप से सब बटा हुआ है। तो सर कहने का मतलब ये हो गया सर, हमारा जो ये ट्रेड विंड हो गया सर, हमारा जो ये ट्रेड विंड यानी कि व्यापारिक पवने हो गया, पूर्वा पवने हो गया, ये क्या करता है सर, मेरा पूर्वी भागों में रेनफॉल करवाता है, यानी कि पूर्वी भागों में वर्षा करवाता है। क्या करता है सर, पूर्वी भागों में वर्षा करवाता है। ठीक है सर, ट्रेड विंड क्या करता है, पूर्वी भागों में वर्षा करवाता है। किस तरीका से करवाता है वर्षा, आपने इस चीज को पूरी तरीका से समझ गए होंगे सर, पूर्वी भागों में ये वर्षा करवाता है। कहने का मतलब, पूर्वी भागों का मतलब क्या हो गया सर, ये पूरे इस रीजन में वर्षा करवाता है, यहां से यहां पूरे रीजन में क्या करता है सर, वर्षा करवाता है। तो सर यहां तक हम परमानेंट विंड आपको